हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फर्मेंटेड। आज हम लोग एक पैनल के बारे में सीखेंगे जो फायर अलार्म पैनल है। यह है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है BSEN 54-1998 का। ओके, यहाँ पे देखिए ये नेटवर्किंग में है, दो पैनल है, पैनल वन पैनल टू। ओके, इसमें अंदर जाके देखेंगे। ये देखिए यही सेम प्रोसेस इधर भी है। ये देखिए ये रिले है, एक ट्रबल के लिए, एक अलार्म के लिए। ये है लूप, है लूप 1 2 3 4। ये जो नीचे दिख रहे हैं ये कार्ड्स है। ओके, 1 1 2 3 4। अब नीचे आ जाइए, ये देखिए ये 24 वोल्ट डीसी का है, बाजू बैटरी का कनेक्शन है, इसके बाजू जो है साउंडर्स के है, डिस्कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक आएगा ऊपर, ये नेटवर्किंग का है, ये केबल यहाँ से यहाँ पे गया। और ये प्रिंटर है, सेम इसी तरह, सेम इसी में भी। चलो आज हम लोग अभी इस पैनल के बारे में सीखेंगे। हम लोग इस पैनल में कैसा चेंज कर सकते हैं, कैसा देख सकते हैं, डिसेबल कैसा कर सकते हैं और कैसा इनेबल कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग को कमेंट मेनू दबाओ। हाँ, ये भी देखिए, मैं आर्ली जिसमें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग चेक कर रहा था तो इसलिए मैं इसको ये करके रख दिया हूँ। उसको मैं फर्स्ट में लाऊँगा। अभी देखिए ये दवाई हम लोग इसमें अभी चेक कर सकते हैं, अगर डिसेबल करना है किसी चीज़ को तो इस तरह जाके एंटर, उसके बाद आपको जोन यानी कि जोन वाइज करना है या इनपुट्स करना है, यानी कि स्मोक डिटेक्टर, मैनुअल कॉल पॉइंट या कोई इनपुट मॉड्यूल्स करना है तो इसमें जाना चाहिए। उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिए, जो पासवर्ड आपके पास रहेगा। ये देखिए ये जोन वाइज है। ओके, आप अगर से इसमें जोन में जाके आपको राइट एरो करेंगे आप तो उसमें डिवाइस का भी नंबर आएगा और एड्रेस भी आएगा। आप स्पेसिफिक उसी को करना चाह रहे हैं उसी पे आप कर सकते हैं। उस पर और एक बार जो एंटर बटन दबा देंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा। इस तरह एक जोन या एक डिवाइस को आप लोग डिसेबल कर सकते हो। ओके, और इसी तरह साउंडर्स को डिसेबल करना है हम लोग को या आउटपुट मॉड्यूल्स को इस तरह कर सकते हो। ये देखिए ऑल साउंडर स्टाइल आउटपुट्स, ऑल अदर आउटपुट्स और ओनली सेलेक्टेड आउटपुट्स, ये सब आप डिसेबल कर सकते हो। ओके, आप ये देखिए, ये देखिए जो डिसेबल एनेबल का, एनेबल का भी सेम ऐसा ही प्रोसेस है, जैसा आप डिसेबल किए हैं वैसा आप चेक कर सकते हैं डिसेबल जो जोन वाइज है या इनपुट आउटपुट्स है। अब ये देखिए इसमें अगर से कोई डिवाइस अलार्म में है या डिसेबल में है या फॉल्ट में है, कुछ भी है आपको चेक करना है तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। ये देखिए फाइल्स चेक करना है आपको, फाइल्स अलार्म डिसेबल लॉक इनपुट्स आउटपुट्स पैनल नेटवर्किंग, इसमें आपको किसी में भी जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल कि हम लोग फायर देखेंगे, ये देखिए फायर अभी फिफ्थ फ्लोर
राइट हैंड साइड, फिफ्थ फ्लोर लेफ्ट साइड, ये सब अभी अलार्म है ये, ओके। इस तरह आप चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे जो टाइम और डेट कैसे चेंज कर सकते हैं, और एक लूप में कितने डिवाइस हैं और उसका क्या क्या प्रॉब्लम है, एड्रेस क्या है, ये हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं, ओके। हम लोग को कमीशन में जाना है, देखिए अभी आ गया है। यहाँ पे टाइम एंड डेट में जाके चेंज कर सकते हैं आप, लुक में जाके ये देखिए, लुक वन चाहे तो लुक वन, लुक टू चाहे तो लुक टू, लुक थ्री फोर, इस तरह है। अभी मैं देखिए लुक वन दबा दिया हूँ, ये वी एडिट ऑटो लेन कैलिब्रेट, ये ड्राइवर ये जो है आपको प्रोग्रामिंग में आएंगे, प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते थोड़े बहुत एड्रेस वही चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को एक प्राइमरी है इसका व्यू चेक कर सकते हैं। ये देखिए एड्रेस वन, उसका स्टेट है नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल है, वो हीट डिटेक्टर है। देखिए ग्राउंड फ्लोर किचन एरिया, इस तरह हम लोग हर डिवाइस को चेक कर सकते हैं। ये देखिए थर्ड नंबर डिवाइस मिसिंग है, ये ऑप्टिकल स्मोक यानी स्मोक डिटेक्टर है, इसका लोकेशन आएगा आपको ग्राउंड फ्लोर कॉरिडोर। देखिए इस तरह हम लोग चेक कर सकते हैं इसमें, इसी तरह लुक टू, लुक थ्री, लुक फोर में चेक कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस पैनल जैसा ही सेम MXP रहेगा आपको, और एक एडवांस पैनल भी सेम ऐसा ही रहता है, सेम प्रोसेस रहता है इसी में भी उसी में भी। आप लोग को इसके बारे में और कुछ जानकारी है, कुछ भी चाहिए, रेक्टिफिकेशन का भी मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, ये जितने भी ट्रबल दिख रहे हैं, अलार्म दिख रहे हैं, इसको भी रेक्टिफाई करना है हम लोग को। इसके बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए दोस्त लोगों, हम मुझे कमेंट कर दीजिए, इनबॉक्स कर दीजिए, मैं आपको लिए वीडियो बना दूंगा और मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए बना दूंगा इंशाल्लाह, जल्दी मैं बना दूंगा मैं आपको लिए। और इसमें जो भी कुछ भी कमी है तो मुझे बता दीजिए, मैं सीख लूँगा। और कुछ जानकारी चाहिए किसी पैनल का, किसी चीज़ का, तो ज़रूर मैं हाजिर हूँ, मैं आपके लिए बनाऊँगा वीडियो, ओके। चलिए फिर मिलेंगे